मैं बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे किस बारे में, चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, रंगास मैरिज। रंगास मैरिज में हम लोगों ने बात कर ली थी जहाँ पर कि जो नरेटर है श्यामा, सबसे पहले वो अपने विलेज होसाहली के बारे में बताता है। जब वो होसाहली के बारे में बताता है, नेक्स्ट उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से रंगा जो है वो एक पहला ऐसा बेटा होता है जो कि विलेज अकाउंटेंट का, जो कि शहर से बाहर इंग्लिश पढ़ने के लिए जाता है। उस समय पे इंग्लिश के बारे में ज़्यादा लोग, इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, और सभी लोग जो है वो रंगा से मिलने के लिए आते हैं। सभी लोग जो मिलने के लिए आते हैं तो सभी लोग जब ये चेक कर चुके होते हैं कि भाई रंगा जो है वो उसके आँख नाक कान मीन्स फिजिकली वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे जो क्राउड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है लाइक अ लंप। और देन उसके बाद क्या होता है कि जो नरेटर है श्यामा वो रंगा के बारे में बताता है कि रंगा जो है वो किस तरह से उसको नमस्कार करता है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Rightly assessed people's worth as for his namaskara to me। अब वो कहता है कि जैसे मीन्स जो रंगा है उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने बिल्कुल भी जैसे आजकल के लड़के करते हैं बिल्कुल इस तरह से नमस्कार नहीं किया। विद हिज हेड डाउन टू हेड अप टुवर्ड्स द सन, जैसे आजकल के लड़के सिर ऊपर करके और फिर दूर से ही नमस्ते, ठीक है, तो इस तरह से कोई नमस्ते नहीं कि उसने मुझे स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पॉल विदाउट जॉइंट्स। आजकल के लड़के जिस तरह से मुंह उनका ऊपर की तरफ रहता है, बिल्कुल सीधे ऐसे तन के खड़े रहेंगे जैसे कि मानो कोई पॉल है जिसमें कोई किसी तरह का जॉइंट नहीं है। जर्किंग हिज बॉडी एज इट वॉज ईदर ए वैंड और वॉकिंग स्टिक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वर्ड है, जर्किंग। तो जर्किंग का मीनिंग क्या होता है, मीन्स विदाउट बेंडिंग, वो बिना मुड़े जो है क्या क्या हुआ है कि सीधे खड़े रहते हैं लड़के और जो है बिल्कुल वॉकिंग जो स्टिक है उसकी तरह से, वॉकिंग स्टिक जो बेंत होती है उसको हम लोग बोलते हैं। नो डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, मीन्स आजकल के लड़कों के बारे में बताया जाता है भाई वो नमस्कार करते हैं तो हाथ नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ नमस्कार बोल दिया, इट्स इनफ। ही बेंट लो टू टच माई फिट, रंगा इससे बिल्कुल विपरीत है, रंगा झुकता है मेरे पैर छूता है। अब देखिए इसने यहाँ पे कहा कि आजकल के जो लड़के हैं वो किस तरह से नमस्कार करते हैं, मीन्स जो नमस्कार का सही तरीका है वो तरीका क्या है कि हाथ जोड़ के झुक के इस तरह से नमस्कार करना। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको झुक के नमस्कार जो है वो करना चाहिए और यही प्रॉपर मेथड होता है। नेक्स्ट जो रंगा है वो जो है नरेटर श्यामा के पैरों में झुकता है। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, और श्यामा जो है वो कहता है कि मैंने आशीर्वाद दे दिया उसे, और क्या आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्द ही शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, प्लेजेंट्रीज मीन्स होता है क्या जोक्स, कुछ देर मजाक करने के बाद आई लेफ्ट, तो आई जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए, यहाँ पे जो हमारे नरेटर हैं श्यामा उनके लिए। दैट आफ्टरनून आई वॉज रेस्टिंग रंगा कम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उस दिन दोपहर के समय पे जो रंगा है वो मेरे घर पे जो कुछ मैं उस समय पे रेस्ट कर रहा था और रंगा मेरे घर पे कुछ ऑरेंजेस जो है वो लेकर आता है। ए जेनरस कॉन्सिडरेट फेलो मीन्स, जेनरस मीन्स क्या होता है, लिबरल। लिबरल क्या होता है, मीन्स उदार सा दिखने वाला। और कॉन्सिडरेटेड, कॉन्सिडरेटेड मीन्स क्या होता है, वन हु केयर्स फॉर अदर्स, जो कि दूसरों के लिए क्या करता है, ध्यान रखता है दूसरों का, दूसरों की केयर करता है। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, ये उसके लिए काफी अच्छा रहेगा यदि वो शादी कर लेता है, सेटल डाउन अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है, बी ऑफ सर्विस ऑफ सोसाइटी आई थॉट। और मेरी नजर में तो ये समाज के लिए एक सेवा होगी यदि एक इतना अच्छा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है। तो फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, अब जो नरेटर है श्यामा वो कहते हैं कि रंगा मेरे घर पे आया है, हम दोनों थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहते हैं, देन आई केम टू द पॉइंट, और फिर उसके बाद मैं जो मेरा पॉइंट था वहां पर मैं आ जाता हूँ, क्या कि रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि रंगा तुम्हारा शादी करने का कब विचार है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ ही सेड,
तो रंगा ने कहा कि लेकिन मैं तो अभी शादी नहीं करने वाला हूँ। Why not? क्यों नहीं? I need to find the right girl. I know an officer. A officer who get married only 6 months ago. अब वो कहता है क्यों? क्योंकि शादी के लिए एक सही लड़की की जरूरत होती है। And I know an officer. और मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जो कि क्या है? Who get married? जिसने कि who got married? जो कि थोड़े दिन पहले ओनली 6 months ago, लगभग 6 महीने पहले उसने शादी की थी। He is about 30 and his wife is 25. I am told her. कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑफिसर है उसकी उम्र लगभग 30 साल है, उसकी वाइफ की उम्र लगभग 25 साल है। एंड दे विल एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे से आराम से जो है अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में है। लेट्स से आई मैरिड अ यंग गर्ल। कि चलो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि मेरी शादी किससे हो जाती है, एक यंग गर्ल से हो जाती है। She may take my words spoken in love as words spoken in anger. तो वो मेरे प्यार से बोले हुए शब्दों को भी गुस्से में बोले हुए शब्दों की तरह से ले सकती है, यानी कि समझ सकती है। She may take recently a trip in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides is there. और उसके बाद रंगा जो है वो एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि अभी बैंगलोर में एक जो प्ले है, प्ले क्या होता है, जो स्टेज पे जो नाटक है और उसको परफॉर्म किया जाता है, जिसकी स्टोरी जो है वो एक बार में ही कंप्लीट हो जाती है, उसको हम प्ले बोलते हैं। तो वो कहता है कि दुष्यंत जो है वो कभी भी शकुंतला को शायद पसंद नहीं करता। यदि शकुंतला जो है वो आजकल की लड़कियों की, यानी कि आजकल की दुल्हन की तरह से यदि बहुत कम उम्र की होती तो शायद दुष्यंत जो है वो कभी शकुंतला को पसंद नहीं करता। एंड व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्लेस। और यदि जो शकुंतला जो प्ले है, शकुंतला जो प्ले है वो लिखा गया है किसके, देखिए दो शकुंतला यहाँ पे लिखा हुआ है। जो पहला लिखा हुआ है वो तो क्या है, प्ले का नाम है, और शकुंतला जो है इसमें एक कैरेक्टर भी है। तो वो यहाँ पे जो श्यामा है, सॉरी रंगा है, वो कहते हैं यहाँ पे कि सोचो यदि ये सब कुछ ना हुआ होता, यानी कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला को पसंद ना करता या शकुंतला बहुत कम उम्र की होती तो क्या होता, तो कालिदास के नाटक का क्या होता। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड टू बी ए गर्ल हु इज मैच्योर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, किसने एग्जाम्पल दिया है, रंगा ने कालिदास के प्ले से। वो कहता है क्या कि वट वुड हैपन टू कालिदास प्ले। कि कालिदास के नाटक का क्या होता यदि जो लड़की है वो बहुत छोटी होती। इट मीन्स यहाँ पे वो आगे बताता है कि जैसे कि आजकल की जो लड़कियां हैं, मींस शादी करने के लिए एक लड़की का मैच्योर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब मैच्योर क्या होता है, मींस ऑफ राइट माइंड, जिसका दिमाग जो है वो परिपक्व हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर। और यदि किसी को भी ऐसी लड़की नहीं मिलती है जो मैच्योर हो तो उस लड़के को बैचलर, बैचलर मीन्स होता है कुंवारा ही रह जाना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। और यही कारण है क्या कि इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी रीजन ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। एक आदमी को हमेशा यहाँ पे जो इज देयर एनी अदर रीजन, जो श्यामा है वो उससे पूछता है कि क्या दूसरा भी कोई कारण है या सिर्फ इतनी ही बात है यहाँ पे। तो रंगा जो है वो कहता है मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, कि एक आदमी को हमेशा उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस। और यदि हम अपने जो है एनवायरनमेंट की बात देखें, अपने जो सराउंडिंग की बात देखें, तो अरेंज मैरिजेस का क्या। नेक्स्ट, हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग शी डज नॉट नो इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। उसके बाद वो कहता है कि
जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, जो अरेंज मैरिजेस हैं वो, और आप ऐसी किसी लड़की को की जो है किस तरह से प्रशंसा कर सकते हैं, या किस तरह से ऐसी किसी लड़की को आप पसंद कर सकते हैं जिसके चेहरे के एक तरफ तो मिल्क स्टिंग यानी दूध के धब्बे लगे हैं और दूसरी तरफ जो है वो दूध से गीला मुंह है और जिसे पूरी तरह से अभी तक नाखून कुतरना भी नहीं आता। नाखून कुतरने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसे अभी तक ढंग से शर्माना भी नहीं आता। वंस ए नीम फ्रूट एंड अदर इज बिटर कार्ड, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, यानी कि किसी चीज में पहले से ही कोई नुक्स है और उसमें और भी ज्यादा नुक्स का जो है वो आ जाना। नेक्स्ट, रंगा सैड लाफिंगली, और रंगा ने हंसते हुए कहा कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो ये वाली सारी की सारी बातें हैं, ये वाले जो बातें हैं ये किसने यहाँ पे कही, तो ये यहाँ पे बताई किसने, ये सारी जो बातें हैं ये बताई किसने, श्यामा ने। तो श्यामा ने इस तरह की जो चीजें हैं वो समझाई किसको, रंगा को। तो रंगा कहता है, रंगा भी जो है वो उनकी इस बात से सहमत होता है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, आई हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, कि मुझे बड़ा दुख होता है। रामा जो श्यामा जो नरेटर है वो यहाँ पे कहते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को लेकर कि जिस लड़के के बारे में सोच रहा था कि एक बहुत ही अच्छा जो है हस्बैंड साबित हो सकता है, उसने तो कुंवारा रहने का फैसला किया हुआ है। आफ्टर चैटिंग ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, और काफी देर तक बात करने के बाद रंगा वहां से चला जाता है। I made up my mind then that I would get him married. और तभी उसी समय मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि मुझे रंगा की शादी करवानी है। रामा राव नीज ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की भतीजी जो कि 11 साल की सुंदर लड़की है, had come to stay with him, जो कि रामा राव के साथ में रहने के लिए आई हुई है। She was from big town, वो एक बहुत बड़े कस्बे से है, एंड सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड हारमोनियम, और इसलिए वो अच्छे से जानती है कि वीना और हारमोनियम जो है वो किस तरह से बजाया जाता है। शी ऑल्सो हैड अ गुड वॉइस, स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज भी काफी ज्यादा मधुर है। हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, जो रामा राव की नीज है यानी कि कौन, रत्ना, रत्ना के जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, और उसके बाद उसे उसके जो अंकल है यानी कि रामा राव जो है वो उसे अपने घर पे ले आए। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, अब रंगा जो है वो उसके लिए एकदम सही जो है दूल्हा साबित होगा, और जो रत्ना है वो रंगा के एकदम सही दुल्हन साबित होगी। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर, फ्रीक्वेंट क्या होता है, जब कभी कभार, ऑफन हम जिसको कह सकते हैं, हालांकि मैं कभी कभार जो है वो रामा राव के घर पे जाता रहता हूं। कौन, नरेटर श्यामा। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्रेमी, कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम रत्ना, इट वॉज, तो जो लड़की है वो पूरी तरह से जो है मेरे से घुल मिल चुकी है, यानी कि मुझसे अच्छे से बात कर लेती है। उसके बाद श्यामा यहाँ पे रीडर से कहते हैं कि आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, कि मुझे माफ करना कि मैं आपको उस लड़की का नाम बताना भूल गया, रत्ना इट वॉज, लड़की का नाम क्या है, रत्ना है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द हाउस एंड टोल्ड रामा राव्स वाइफ, I will send some buttermilk for you, ask Ratna to fetch. कि उसके बाद मैंने क्या किया कि रामा राव की वाइफ से कहा कि भाई मैं जो है तुम लोगों के लिए कुछ बटर मिल्क क्या होती है, छाछ जो होती है, तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ छाछ भिजवा दूंगा और तुम जो है रत्ना को छाछ लाने के लिए भेज देना। रत्ना केम, इट वॉज ए फ्राइडे, सो शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी,
और रत्ना जो है वो वहां पे आती है, उस दिन शुक्रवार का दिन होता है, उसने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी होती है। नेक्स्ट, आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, आई सेंट फॉर रंगा। उसके बाद जो श्यामा नरेटर है वो कहते हैं क्या कि मैंने क्या किया कि रत्ना से रिक्वेस्ट की कि वो मेरे जो है कमरे में बैठे और गाना गाए। आई सेंट फॉर रंगा, सेंट फॉर का मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, तो मैंने रंगा को बुला लिया था। वाइल शी वो सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच्ड द डोर। और जब रत्ना जो है वो ये गाना गाई रही थी, कृष्णा मूर्ति मेरी आंखों के सामने, तो तभी रंगा वहां पे दरवाजे पे पहुंच जाता है। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, जो दहलीज होती है, जो दरवाजे की जो दहलीज होती है उसको हम बोलते हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट टू द सिंगिंग टू स्टॉप, वो वही दहलीज पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके जाने से क्या हो जाए, जो सिंगर है वो गाना गाना बंद कर दे। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, अब वो जाना भी नहीं चाहता है अंदर। क्यों? क्योंकि सिंगर जो है वो गाना गाना बंद कर देगा, लेकिन साथ में वो क्यूरियस भी है सिंगर को देखने के लिए। केयरफुली ही पीप्ड का मतलब होता है क्या, झांकना। केयरफुली ही पीप्ड इन, और बड़ी सावधानी से उसने अंदर की तरफ झांक के देखा। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, लेकिन जैसे ही रंगा जो है वो क्या करता है, लाइक इस तरह से अगर यहाँ पे जो रूम है, यहाँ पे अगर रोशनी जा रही है, लाइटनिंग जो है वो जा रही है, और यहाँ पे यदि कोई एकदम से झांक के देखेगा तो क्या होगा, जो कमरे के अंदर रोशनी जा रही है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस तरह से जो रोशनी है वहाँ पे वो रुक जाती है। नेक्स्ट, बट रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड। एब्रप्टली मीन्स सडनली, और जैसे ही देख के रत्ना वहां पे देखती है कि कोई स्ट्रेंजर वहां पे है, तो तुरंत ही वो अपना गाना गाना बंद कर देती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो एंड यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर Bring biting into the juicy flesh, you do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. अब यहाँ पे है क्या? Okay. To the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. अब यहाँ पे जो श्यामा नरेटर है वो रीडर्स को एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या देते हैं कि सोचो आपने क्या किया कि बहुत अच्छी क्वालिटी के आपने आम खरीदे, आपने क्या किया उस आम को धीरे धीरे उसके पील क्या होता है, जो उसका ऊपर छिलका होता है, उस छिलके को भी आप मजे लेके खा रहे हो, ठीक है, और आप छिलके को खाने में लगे हुए हो, मीन छिलके का भी मजा लेने में लगे हो। इससे पहले क्या होता है, आप जूसी फ्लैश जो होता है ना उसको आप एकदम से बाइट करते हो, उससे पहले आपके हाथ से जो आम है वो छूट के गिर जाता है। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, अब देखिए छिलके क्यों खाना है, मीन्स आप आम के किसी भी पार्ट को वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप एक बाइट ले लेते हो, दूसरी बाइट लेते हुए आपके हाथ से आम फिसल जाता है, जमीन पर गिर जाता है, कैसा महसूस होगा उस समय पे? बिल्कुल ऐसा ही रंगा का फेस उस समय पे होता है, ऐसी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो रंगा के फेस पे उस समय होती है जब गाना रुक जाता है। यू सेंट फॉर मी ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। उसके बाद रंगा अंदर आ जाता है, क्योंकि गाना तो बंद हो चुका था, इसलिए वो अंदर आता है, चेयर के ऊपर बैठता है और बोलता है कि आपने मुझे बुलाया था। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। रत्ना वहां पे कुछ दूरी पर खड़ी हुई होती है, उसका सिर जो है वो झुका हुआ होता है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर,
रंगा जो है वो बार बार रत्ना की तरफ देखता है। वंस अवर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रास्ड। एम्ब्रास्ड का मतलब होता है मेड टू वरी, यानी कि थोड़ा सा परेशान हो जाना, शर्मा जाना। और एक बार श्यामा कहता है मेरी और रंगा की नजरें मिलती है, वो थोड़ा सा जो है शर्मा जाता है उस टाइम पे। नो वन स्पॉक फॉर ए लॉन्ग वाइल, हम दोनों में से कौन, श्यामा और रंगा दोनों में से ही किसी ने भी काफी देर तक कोई बात नहीं की। इट वॉज माई कमिंग दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव। उसके बाद रंगा ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद मेरे आने से जो है वो गाना रुक गया है और अब मुझे लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। इट वॉज वर्ड्स, मियर वर्ड्स, मियर मीन्स ओनली, शब्द केवल शब्द थे। मीन्स क्या, द फेलो सेड ही वुड लीव बट नॉट मेक अ मूव। लड़का कह तो रहा था कि मैं चला जाता हूं, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा था वहां से जाने के लिए, बोल मत, शब्द थे सिर्फ, खाली जाना नहीं चाह रहा था। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग। उसके बाद श्यामा कहता है और आप इस कलयुग में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस चीज के लिए, कि किसी के शब्द जो है वो उसके काम से मैच करें। नेक्स्ट, रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। रत्ना जो है वो क्या कि शर्माती हुई वहां से अंदर की तरफ चली जाती है। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड हु इज द गर्ल स्वामी। यहाँ पे स्वामी जो है वो रंगा ने बोला है किसको, नरेटर श्यामा को। तो जो नरेटर है उससे वो पूछता है कि स्वामी जो लड़की अभी अंदर गई वो कौन थी, हु इज दैट इनसाइड, द लॉयर वॉन्टेड टू नो। यहाँ पे श्यामा एक और स्टोरी बताता है, एग्जाम्पल देता है यहाँ पे, द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम, आई एम अ पुअर एनिमल who has already eaten 9 lions, I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled at the place in fear, it seems. Story बड़ी बड़ी मजेदार है ये, क्या कि यहाँ पे जो श्यामा स्टोरी बताते हैं, श्यामा कहते हैं कि एक दिन होता क्या है, शेर जानना चाहता है कि भाई अंदर कौन है, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो हुआ क्या कि एक दिन जो ही गॉट मीन्स क्या, जो मेल गॉट होती है उनके लिए बोला गया है, तो वो एक मंदिर में भागकर शरण लेती है। बाहर शेर आता है, जैसे ही शेर आता है वैसे ही जो ही गॉट है वो आवाज देती है कि मैं तो एक बेचारी जानवर हूँ, एक बेचारा जानवर हूँ जिसने बस अब तक ज्यादा नहीं सिर्फ 9 शेर खाए हैं, ठीक है, मैंने एक और खाने की कसम खाई है, यानी कि टोटल 10 मैंने खाने की, शेर खाने की कसम खाई हुई है। कौन कहता है ये बात, ही गोट, ये एग्जांपल दे रहे हैं श्यामा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, कि ये बताओ कि तुम, वो जो ही गोट है वो लॉयन से पूछता है कि तुम मेल हो या फीमेल। भाई तेरे को लॉयन खाने ना, खा ले तो इसमें मेल और फीमेल क्या करेंगे। The lion fled the place in fear, it seems. शेर इतना सुनकर वहां से डरकर भाग जाता है। Like the he goat, I said, what does it matter to either of us who she is? अब श्यामा कहता है भाई he goat की तरह से मैं तुम्हें कह देता हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लड़की अंदर है वो कौन है, क्यों, क्योंकि I am already married and you are not the married kind. और क्यों, क्योंकि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और तुम शादी करने वाले हो नहीं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अंदर लड़की है वो कौन है। Very hopefully he asked, she is not married then. His voice did not betray his excitement. Betray का मतलब होता है क्या, छुपाना, hide, हराना, but I knew it was there. अब एकदम से उसने खुश होकर कहा कि क्या, कि इसका मतलब जो लड़की अंदर है वो शादीशुदा नहीं है, और उसकी एक्साइटमेंट को उसके जो शब्द हैं वो छुपा नहीं पा रहे थे, उसकी जो आवाज है वो उसके एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पा रही थी, लेकिन मैं जानता था क्या, और मैंने बोल दिया क्या उसको, शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। ये ट्रू नहीं है ये बात, लेकिन श्यामा को ऐसा लगा, श्यामा ने कहीं से ऐसा सुना था
तो इसलिए वो उसको बताता है कि जो लड़की है उसकी शादी एक साल पहले हो चुकी है। His face shriveled. Shriveled का मतलब होता है क्या? सिकुड़ जाना एकदम से, means withered. कि उसका जो चेहरा है वो एकदम से इस तरह से सिकुड़ जाता है, like a roasted brinjal. जैसे एक ब्रिंजल का भरता हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको जो है भूनते हैं, तो जैसे वो सिकुड़ जाता है इसी तरह से रंगा का चेहरा भी एकदम से सिकुड़ जाता है कि लड़की पहले से ही शादीशुदा है। After a while, रंगा left saying, I must go. I have work at home. उसके बाद रंगा ने कहा कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ क्योंकि मुझे घर पे कुछ काम याद आ गया है। I went to our Sastri the next morning and told him. श्यामा यहाँ पे कहते हैं अगले ही दिन मैं जो है जाता हूँ अगली सुबह पे और अपने शास्त्री के पास में, एंड कीप एवरीथिंग रीड रेडी टू रीड द स्टार्स। और फिर मैं उसको कहता हूँ कि भाई जितने भी तेरे जो स्टार्स को जो पढ़ने के, नक्षत्र वगैरह पढ़ने के जो भी चीज़ें हैं ना, उनको तैयार रखना। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से। मैंने उसे वो सारी चीज़ें सिखा दी जो कि मैं उससे बुलवाना चाहता था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा वेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। मैं उस दिन मिला रंगा से, श्यामा कहता है कि मैं जब रंगा से मिला मुझे उसमें कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला, What's the matter? You seem to be lost in thought. I said. मैंने रंगा को बोला कि क्या बात है भाई, तुम तो विचारों में खोए खोए से लग रहे हो। Nothing wrong. Believe me. और रंगा ने कहा नहीं कुछ नहीं, विश्वास करो कुछ भी नहीं। Had it come? Let's go and see a doctor. श्यामा कहता है कि मुझे लगता है शायद तुम्हें सिर दर्द हुआ है, चलो हम लोग डॉक्टर के चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। Have a nice day.